औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में लूट और चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। यहां आए दिन चोरी की वारदात सामने आती रहती है। ऐसी ही एक घटना रविवार रात सामने आई, जिसमें चोर 35,000 की नकदी पर हाथ साफ कर गए। स्थानीय पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की साई रोड पर बसंती बाग में रविवार रात चोरों ने दो दुकानों के ताले तोड़कर करीब 25,000 रुपए की नकदी और सामान पर हाथ साफ किया। मिली जानकारी के मुताबिक बद्दी साई मार्ग पर बसंती बाग में साइबर कैफे के मालिक बलिराम जब सुबह 6 बजे अपनी दुकान खोलने आए तो देखा कि उनकी दुकान का ताला टूटा है और शटर भी उठा हुआ है। जब अंदर जाकर देखा तो चोरों ने दुकान का गल्ला तोड़ रखा था और गल्ले में पड़ी 10,000 रुपए की नकदी गायब थी। फिर उन्होंने बाहर आकर देखा तो उसके साथ की दुकान कपिल मेडिकोज का भी ताला टूटा हुआ था। उन्होंने इसकी सूचना दुकान के मालिक कपिल देव को दी और कपिल देव ने आकर देखा तो चोर उनका गल्ला भी उड़ाकर ले गए, जिसमें करीब 15,000 रुपए की नकदी थी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना बद्दी पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दोनों दुकानदारों के बयान दर्ज किए। कपिल मेडिकोज में लगा सीसीटीवी कैमरा खराब था, इसके चलते पुलिस साथ लगते क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। हैरानी की बात यह है कि जिन दुकानों में चोरी हुई उससे दो दुकानें छोड़कर एसबीआई का एटीएम है, जहां हर समय सुरक्षा कर्मी तैनात रहता है, लेकिन चोरों ने उसे भी इसकी भनक नहीं लगने दी। यही नहीं, बद्दी साई मार्ग पर पुलिस की गश्त भी रहती है, लेकिन चोरों ने इनकी आंख में भी धूल झोंक दी। 3-4 बजे चोरी हुई है, मेरे को 7 बजे पता लगा है। मैंने जब सफाई करने आता हूँ 7 बजे, तब ताला टूटा हुआ था। उसके बाद मैंने बद्दी में कॉल किया, उसके बाद पुलिस आई। कम से कम 8-10,000 रुपया चोरी हुआ है, ताले टूटे हुए लॉकर के भी और सेंटर के ताले, सेंटर लॉक के ताले टूटे हुए। साथ में एसबीआई एटीएम है, 3 दुकानें छोड़ के, जहाँ गार्ड 12 घंटे ड्यूटी करता, लेकिन उसको भी कुछ पता लगा रात को कौन सी दुकानों के ताले टूटे। सिक्योरिटी गार्ड रात को सोया रहता है, 12 घंटे ड्यूटी करता, लेकिन उसको 7 वाली दुकान पर कोई भी पता लगा कि ताले टूट रहे हैं 2 दुकानों के, कि क्या हो रहा है। पूरी साथ ये मांगे कि वो एटीएम में आते हैं, राउंड लगाते हैं, लेकिन उनको भी कोई पता नहीं लगता कि कौन सी दुकानों के ताले टूटे हुए वो भी 3 या 4 राउंड मारते गाड़ी से रात को। मेरे को सुबह 6 बजे, 6:30 पता लगा कि आपका शटर टूटा हुआ है, और आते देखो तो मैंने आप जब आते यहाँ देखा तो ये सारा ही अपना एक तो लोकर उठा के ले लिया यहाँ से, और साथ में सामान सारा बिखरा हुआ था। तो मैंने 6:30 अपना 6:45 पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस स्टेशन लगी, पुलिस भी आई उसके बाद। बाकी यहाँ पुलिस की भी गश्त रहती है, मेन रोड साइकिल को सारी रात लगभग रहती है, 2-3 दिन या दो बार तो आते ही है। उसके बावजूद भी क्षेत्र टूटे हैं, और ये साथ में साइबर कैफे का भी क्षेत्र टूटा हुआ है। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।